मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत देश के 25 से ज्यादा राज्यों में बारिश हो रही है। मुंबई के पालघर के वसई इलाके में बुधवार यानी आज लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले चार दिन तक छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र है। मंगलवार को पूरे देश में 289 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात में कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद अधिकारियों को लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े हैं। बाढ़ से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीमें भी काम कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून से अब तक देश में औसत से 90% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ों में विगत दिनों से हो रही तेज बारिश से बालगंगा, धर्मगंगा नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान पर बह रहा है। टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार स्थित धर्मगंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। और ये आप देख रहे हैं बूढ़ा केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरों के माध्यम से, ये धर्मगंगा नदी का जो रौद्र रूप है वो आप देख पा रहे हैं। और ये जो सिंचाई विभाग के द्वारा, इरीगेशन विभाग के द्वारा जो यहाँ पर चक डैम और CC ब्लॉक्स वगैरह जो बनाए गए थे, उनको यहाँ पर जो है नदी ने यहाँ पर अपने बहाव में ले लिया है और ये टूट चुकी है दीवारें और CC ब्लॉक यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं। और ये नदी में जो है मलबा, टनों टन मलबा यहाँ पर जो है एकत्रित हो चुका है। बीच नदी में यहाँ पर जो है काफ़ी पत्थर और गाद भर चुका है, जिस कारण जो है ये आने वाले समय में ये नदी जो है यहाँ से, ये जो आप देख पा रहे हैं इस स्थान से, फिर से खेतों की ओर यहाँ पर जो है रुक कर रही है नदी, और आने वाले टाइम में ये यहाँ पर जो है जान माल का नुकसान होने की पूरी संभावना बन रही है।